हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। यहाँ पर वुमेन्स लीग का मैच हो रहा है और वेस्टर्न यूनाइटेड वर्सेस सिडनी एफसी के बीच ऑस्ट्रेलियन लीग का मैच। तो बात करें मेरे टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, दोबारा मैच हो रहा है इन दोनों टीम्स के बीच। अभी अभी मैच हुआ था इन दोनों टीम्स का, आई थिंक कुछ दिन पहले हुआ था, मुझे याद है। तो आज दोबारा हो रहा है क्योंकि आपको मैंने जैसे कि बताया, अभी आपको पता है कि अब धीरे धीरे लीग्स, आपको पता है कि फुटबॉल के अंदर जून जुलाई के मंथ में या फिर आई थिंक मई या जून में, मेरे को याद नहीं है, दो मंथ बिल्कुल आप ये लगा लो मैचेस होते ही नहीं है। ठीक है, डेढ़ मंथ तो मिनिमम मैच आप देख, आप हैरान हो जाओगे, आप बोलोगे ना प्रीमियर लीग का मैच, ना ही अपना अगस्त में चालू होते हैं फिर ये मैचेस, ना ही स्पेनिश लीग, ना ही आपका ललीगा तो वही हो गई, सीरी ए लीग, लीग वन, किसी लीग का मैच नहीं होगा। तो उसमें बिल्कुल सूना पड़ जाता है। आप खुद मेरे को बोलते हो भाई तुम क्रिकेट ही कवर कर लो, अब उस चीज़ से पहले अपना फाइनल सबके होने वाले हैं। तो आप बार बार री मैचेज हो रहे हैं आजकल। अब जैसे कि एच के एन को ले लीजिए, वेस्टर्न यूनाइटेड की अब तक की भाई साहब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आप प्लेयर मेरे से पूछते हैं तो ये है, विदाउट इंजरी स्ट्राइकर है ये लड़की जो गोल करती है, ये होता है प्लेयर। ठीक है, एंड पी इबनी को यहाँ पर मैं जरूर लूँगा, प्रिंसेस इबनी को लास्ट मैच में भी मैंने लिया था, आई थिंक पता नहीं कैप्टन वैप्टन भी रखा था, मुझे याद नहीं है, झूठ नहीं मैं बोलूँगा, 22 अप्रैल का मैच था, याद नहीं है मेरे को क्या रखा था। और हिले हैले की बात करें, हैले ने लास्ट मैच के अंदर मेलबर्न विक्ट्री को गोल लगा दिया, मेरे को अलग लगा, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी वो। एंड आगे से अगर बात करें यहाँ पर मिडफील्डिंग की, तो यहाँ पर आप देखिए, आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हालात में मैकेंजी को आप ड्रॉप आउट कर ही नहीं सकते हैं। जो लड़की बिना गोल करे, बिना असिस्ट करे 44 पॉइंट दे सकती है, तो वो लड़की गोल करके 144 पॉइंट पहुँचाने में टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि अभी उसकी आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन कब इन फॉर्म आएगी या आप नहीं जानते हो, ना ही मैं जानता हूँ। एस हंटर की बात करूँ तो लास्ट मैच में परफॉर्म अच्छा था, बट मैं सबको नहीं ले सकता हूँ, सो मैं सी वाइन के साथ जाऊँगा, पागल थोड़ ना हूँ, सबको लेता रहूँगा। ऑलरेडी दो मैंने आगे से प्लेयर्स उठा रखे हैं। एंड आर लॉफ की बात करें तो लॉफ भी नहीं आ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज़ करना है। कल को आप कहोगे तुम हंटर भी ले लो, कल को आप हंटर ले लो, लॉफ ले लो, तो ये तो एक पागल वाली टीम हो गई। सबको लेना तो बच्चा भी बना लेगा, सबको लेना है तो ठीक है। हमें वो प्रेडिक्शन उसको कहा जाता है कौन चलेगा कौन नहीं, मेन बात ये होती है। एंड विलेजनिक की बात करें, देखिए मैंने आपको लास्ट मैच में भी कहा था कि विलेजनिक ड्रॉप आउट मत करना, तब भी कहीं ने किया था, हारे थे फिर अपने आप ही। एंड रॉबर्ट्स की बात करें, देखिए रॉबर्ट्स एक जो ऐसी प्लेयर है जो कभी कभी चलती है, एमा रॉबर्ट्स तो एक मस्त पिक तो है ही नहीं किसी भी एंगल से। तो मैं कहूँगा कि आप या तो टोरेंटो को लो, ठीक है, और अगर आप ट्रेंटो के साथ नहीं जाना चाहते तो फिर मेरे तो सीधी सीधी राय है डिफेंडिंग में एस कमिंग्स, सीधी राय है, उसके अलावा मैं आपको सोचने का मौका भी नहीं कहूँगा, आप सोचो। ठीक है, सी मैकलिन की बात करें, देखिए सी मैकलिन की वापसी हुई है, ये मैंने आपको लास्ट मैच में भी कह दिया था कि ये खेल सकती है और इसने खेला। एंड सी रूल की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं लूँगा चार्लिस रूल को, और टॉबिन की जहाँ तक बात है या तो टॉबिन ले लो या इनकी कोई फोर्थ डिफेंडर अगर खेलती है, बाकी मुझे पता नहीं किसको खिलाएंगे, क्योंकि लास्ट मैच में ए ग्रीन को भी नहीं खिलाया, डे और इसको भी नहीं खिलाया, उसके बाद के फेंटन की जहाँ तक बात है फेंटन को खिलाया और उस लड़की ने बिना गोल बिना असिस्ट के 75 पॉइंट दिए। तो देखो मैं तो फेंटन लूँगा, कोई बात नहीं, टॉबिन छूट रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ वाली टीम नहीं बन सकती। अगर या तो फिर मैकलिन को छोड़ो, किसी ना किसी को तो छोड़ो, या मैकलिन को छोड़ के टॉबिन ले लो, अब आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और गोलकीपिंग की बात करें, यहाँ पे लूँगा एच बेल को, बनती ही बेल है, क्योंकि लास्ट मैच में बेल तो चलो टीम में नाम नहीं आया था, बट कोई बात नहीं। बात करें कैप्टन की, देखिए मेरी जो कैप्टन है, मैं भले ही ऑपोजिशन टीम के कैप्टन रख रहा हूँ, एच के एन, बट मुझे इस पर भरोसा बहुत है। और वाइस कैप्टन जो मेरी रहेगी वो है पी इबनी, ठीक है। मैं अपनी कैप्टन अगर बदलता हूँ या मैं अपनी वाइस कैप्टन में कुछ चेंज करता हूँ तो हद से हद मैं अपनी वाइस कैप्टन रखूँगा या कैप्टन रखूँगा मैकेंजी को, इससे बेटर मुझे कोई नहीं लगती। सी वाइन कभी कभी चलती है, इबनी भी ऐसे कभी कभी चलती है, बट मुझे अगर डाउट अच्छा कर सकती है। एंड हैले का तो चलो छोड़ ही दो, पता ही नहीं, ठीक है। बाकी आपके लिए मैकेंजी अच्छी ऑप्शन है, वाइन भी ठीक ऑप्शन है, अगर आप चाहें चेंजेस कर सकते हैं, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद कर लेना, बढ़िया है, आप जो भी चेंज करोगे सफल होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।